तो मैं इसको धनिया और अदरक डाल के जो से ऊपर से वो गार्निश भी कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको जो से आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्विक दाजन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल क्विक दाजन के साथ जुड़ जाएँ और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल क्योंकि विद नाज़नीन के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन निहारी। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिस तरह से आज कुकिंग विद नाज़नीन में आपको चिकन निहारी की रेसिपी बताई जाएगी, इसके बाद अब हर कोई आपके निहारी का फ़ैन हो जाएगा। तो व्यूवर्स, मैंने कौन सा है वो प्यारी सी देशकी के अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर एक अदद जो सा है वो प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने शामिल कर देना है। तो प्याज हम लोगों ने जो सा है वो बारीक बारीक जो सा चॉप करके काट के इसके अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी है चिकन निहारी की। तो व्यूवर्स, आई होप कि आपको जो सी आज की रेसिपी है पसंद आएगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फीडबैक देनी है। तो प्याजों को हम लोगों ने इतना पकाया जब तक ये जो से हम ब्राउन नहीं हो जाते। आज आपको निहारी के सारे जो से राज हैं वो बताए जाएंगे कि कौन सी ऐसी टिप है जिसकी से निहारी बहुत मज़ेदार बनती है और गाढ़ी, इसको गाढ़ा किस तरह किया जाता है, बिल्कुल बाज़ारों वाली बल्कि बाज़ार से भी अच्छी निहारी आप घर तैयार कर सकते हैं। तो प्याज मैंने डाली है, अब इसको हम लोग अच्छे से भून लेते हैं। इतना हम लोगों ने पकाना कि जो इसका कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो मैं इसके कलर को चेंज करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, प्याज अभी हमारे जो से मुकम्मल तो भी जिस तरह का हमें कलर चाहिए उस तरह का कलर नहीं आया। तो हम लोग इसको मज़ीद जो सा है वो पका लेते हैं और फिर इसका कलर चेंज करने के बाद हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का जो सा है वो पेस्ट वो शामिल करेंगे। तो व्यूवर्स, आप लोग देख सकते हैं कि प्याज जो से हम लोगों ने कलर चेंज कर लिया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, क्योंकि निहारी हम लोग बना रहे हैं, हम लोग कौरमा थोड़ी तैयार कर रहे हैं, जो से कलर जो से प्याजों का हम लोग को ज़्यादा करेंगे। तो अब मैंने देख लें आप लोग, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह का हम लोगों ने कलर दिया, ये गोल्डन सा जो सा है मैंने वो कलर दे दिया है प्याज़ों को। अब इस स्टेज पे हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और दो अदरक टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको अच्छे से हम लोगों ने भून लेना है। इतना भूनना है कि जब तक इसकी लहसुन अदरक की जो सी है खुशबू वो ना आना शुरू हो जाए। तो इसको हम लोग अच्छे से भून लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आना शुरू हो गई है। हम लोगों ने इसको ऐसे अच्छे से भूनना है। इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो सा है वो चिकन शामिल करना है। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आने लगी है और मज़ीद इसको जितना अच्छा हम लोग भूनेंगे उतनी अच्छी जो सी हमारे चिकन बने हारी तैयार हो गई। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने लाइक करना है और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार से जो से मसाले इस्तेमाल होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। और इसको गाढ़ा करने के लिए जो खास क्या तकनीक है, ट्रिक है जो यूज़ की जाती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। तो मैं इसको मज़ीद और 5 मिनट भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, मसाला हम लोगों ने भून लिया। अब इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर रही हूँ। सेम मेथड को आप लोग जो सा मटन या बीफ के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। इसी मेथड को फॉलो करें लेकिन आप चिकन की जगह जो सा है वो मटन या बीफ दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो मैं इसके अंदर ये शामिल कर रही हूँ। और इसको भी हम लोगों ने चिकन डालने के बाद भी काफ़ी तकरीबन 5 से 10 मिनट इसकी लाजमी भुनाई करनी है, क्योंकि निहारी खाने की यही चंद चीज़ें हैं जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं या हम लोग इसमें जो से निगलिजेंस दिखा देते हैं, लापरवाही कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी में वो फ्लेवर नहीं आता जो निहारी का बेसिकली होता है। तो यही वो चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोगों ने इनको ज़रूर फॉलो करना। तो इंशाल्लाह आपकी जो निहारी है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, चाहे बीफ में बनाएँ, मटन में बनाएँ या चिकन में बनाएँ। बस आप लोगों ने इन बातों को फॉलो करना है एग्जैक्टली। तो फिर जो एग्जैक्टली फॉलो करेंगे तो इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा और उमदा आएगा। तो इसी तरह मैं 5 मिनट जो सा चिकन को अच्छे से भून लेती हूँ लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ और फिर इसके बाद में इसके अंदर पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह खुशबू अभी बहुत अच्छी आ रही है, मज़ीद भी होगी तो और ज़्यादा इसका जो सा टेस्ट है वो डिवेल्प हो जाएगा। ये तो व्यूवर्स आप लोग देख सकते हैं कि चिकन काफ़ी हद तक मतलब जो सा है वो भुना गया, पानी भी छोड़ दिया, कलर भी चेंज हो गया इसका। तो अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर 1 कप पानी का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल करके चिकन को जो सा है वो पकने के लिए रख रही हूँ। अब हम लोगों ने चिकन को जब तक पक नहीं जाता, गल नहीं जाता, तब तक पकाना है। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों ने कौन से स्पाइसेस यूज़ करने हैं और आप लोगों ने क्या शामिल करना है इसके अंदर।
तो अभी वो चिकन जोन सा है वो गल गया है, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर ये देखें, एक साशे जोन सा है दिल्ली निहारी का, ये मैं शामिल कर रही हूँ। 1 kg चिकन है। अगर आपको टेस्ट कम लगे तो आप लोग 2 से 1 साशे हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो एक्स्ट्रा स्पाइसेस लाइक मतलब मिर्च और नमक वगैरह भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। अब इसको डाल के हम लोगों ने पकने के लिए रखना है। बहुत ही मतलब चिकन तो हमारा ऑलमोस्ट गल गया है, अब हम लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर जो सी हमारी निहारी की रेसिपी है वो हो जाएगी तैयार। और इसको थिक करने के लिए कौन सी टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा, हमारी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मैं 5 मिनट के बाद आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स निहारी तैयार हो गई है और अब मैंने यहाँ से जो सा 3 से 4 चम्मच लिए हैं मैदे के। अगर आपके पास मैदा नहीं हो तो आप जो सा है वो आटा नॉर्मल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके हम लोगों ने एक जो सी है स्मूथ सी स्लगी सी बना लेनी है और फिर इसको हम लोगों ने जो सा है वो निहारी में शामिल करना है। पानी आप लोगों ने बहुत हल्के हाथों से डालना है, ये ना कि बहुत ज़्यादा ये पतली हो जाए। और आप लोगों ने जब इसको डालना है तो वो भी चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो सी इसके अंदर वो लम्स ना बने, ठीक है। तो हम इसको हिला कर और फिर निहारी के अंदर शामिल करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको मज़ीद देख रही थी कि इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखनी है, ठीक है। आई थिंक इज़ इनफ। सो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और अपनी मज़ेदार सी निहारी में स्लगी को डालते हैं। चले ये तो पेपर जो हम डालते हैं इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर हम थिकनेस के अकॉर्डिंग इसको और डाल सकते हैं। जब आपने डाला तो मसल से चम्मच को जो सा वो हिलाना है ताकि जो सा वो लम्स ना बने, ठीक है। थिकनेस आप साथ साथ जो से वो चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा इसको मज़ीद पका लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हमें ज़रूरत पेश हुई तो हम और डालेंगे, अदरवाइज़ इतनी ही जो सी है वो हमारी ग्रेवी मतलब जो सालन निहारी का थिक बहुत है, ठीक है। तो मैं इसको एक उबाला दिला के फिर इसको फाइनल करती हूँ। फिर तो व्यूअर्स जो सी हमारी चिकन निहारी बिल्कुल हो गई है तैयार। तो मैं इसके अंदर जो सी है वो हरी मिर्च और धनिया और अदरक शामिल कर रही हूँ। तो थोड़ा सा जो सा है मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी, बाकी जो सा है मैं इसके अंदर वो डाल रही हूँ बस। तो इसको हम लोग 5 मिनट पकाते हैं और फिर इसके बाद जो सी हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स अगर तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल क्योंकि नाजनी पर नए आए तो इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो। तो व्यूअर्स ये है हमारी आज की चिकन निहारी का फाइनल लुक। तो मैं इसको धनिया और अदरक डाल के जो सा ऊपर से गार्निश भी कर देती हूँ। तो आई होप कि आपको जो सी आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपने फीडबैक ज़रूर दें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि दाजन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल क्योंकि दाजन के साथ जुड़ जाएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो व्यूअर्स देखते हैं आप लोगों से इजाज़त, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।